इसीलिए बोलता हूँ YouTube पे आपके भाई का इतना पावर है ना, किसी का भी साला पोल खोल सकता है। आप सबको पता होगा कि अभी सौरभ जोशी ब्लॉग्स का जो है YouTube का जो इनकम है वो रिवील हो चुका है। सो दोस्तों अभी जन मनोज ने भी रिएक्ट कर दिया सौरभ जोशी की अर्निंग के ऊपर। उन्होंने बताया कि आज से 9 महीने पहले उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम सौरभ जोशी की अर्निंग बता दिया था। सो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि अभी सौरभ जोशी जो है उनके चैनल के धोखे से अर्निंग रिवील हो गई थी, जो कि वही एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो दोस्तों इसी पर जो है रिएक्ट करते हुए मनोज ने भी कहा कि आज से 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खुद से गैस की थी सौरभ जोशी की अर्निंग को, और मैंने काउंट करके बताया था कि सौरभ जोशी मंथली का कितने पैसे कमाते होंगे। लेकिन अभी जो है सौरभ जोशी के चैनल की अर्निंग खुद से ही रिवील हो गई है। तो उसी पर जो है मनोज ने कहा कि जो अमाउंट मैंने आज से 9 महीने पहले गेस करके बता दिया था, सेम टू सेम उतने ही पैसे कमाते हैं सौरभ जोशी मंथली के। आप खुद ही से देखिए मनोज दे की वीडियो का छोटा सा क्लिप। मॉर्निंग, आप सबको पता होगा कि अभी सौरभ जोशी ब्लॉग्स का जो है YouTube का जो इनकम है वो रिवील हो चुका है। ऑलमोस्ट $95,000 था, मतलब कि 80 लाख के करीब होता है। और आपके भाई ने, आपके मनोज भाई ने एक वीडियो बनाया, ठीक ना, 9 महीना पहले, और इसमें मैंने एक अप्रोक्स में कैलकुलेशन करके दिखाया था कि कितना अर्निंग होता होगा। और ये देखो कैलकुलेशन में मैंने कितना निकाला था, 79,99,950, 50 रुपया कम 80 लाख। तो आपके भाई ने 9 महीना पहले ही कैलकुलेट करके बोल दिया था कि सौरभ जोशी का 80 लाख इनकम होता है, और डेट पे कंफर्म भी हो गया ना 80 लाख रुपया। इसीलिए बोलता हूँ YouTube पे आपके भाई का इतना पावर है ना, किसी का भी साला पोल खोल सकता है, ठीक है।